मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं को रिझाने के लिए 1,000 रूपये प्रति महीने देकर उन्हें लाडली बहना बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की इस योजना का करारा जवाब दिया है। उन्होंने मंगलवार को छिंदवाड़ा से नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 1,000 की जगह 1,500 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 500 रूपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने की बात कही है और 300 यूनिट बिजली देने का वचन भी दिया है। उनके द्वारा दिए गए इस वचन को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, वरिष्ठ नेता दीपक जोशी सहित कई पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता ली। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारी शिक्षा, नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण की पत्रकार रही। हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की और कांग्रेस नेतृत्व ने हमारी बहने लाइन में खड़ी रहती, सर्वर डाउन हो जाता, उसमें जो शर्त है ओटीपी आना चाहिए, ओटीपी आता नहीं है, सर्वर डाउन हो जाता है, बाकी जो मांग की जाती है वो तो अलग ही है। फॉर्म भराने का जिम्मा शिक्षकों को दे दिया गया, जिनको पढ़ाई कराने का जिम्मा, तो ये सारी विसंगतियां। और इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश में लाखों महिलाएं आ रही, जैसे 23 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की पात्रता, तो अपात्र लगभग 7 लाख महिलाएं केवल मध्य प्रदेश की हो। जैसे कि विवाहित महिला का जिक्र है, 15 लाख से 40,000 के करीब उस कैटेगरी से बाहर हो जाए। ये मैंने पूरा डाटा निकाले हैं कि अपात्र कौन हो जाएंगे, तो पात्र कौन बचे। ये तो ऐसा ही है जैसे लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी कि हर एक के खाते में पैसे डाले जाएंगे, वो खाते में पैसे नहीं डाले। तो ये सारी बातें हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में जो हालत है, जिसमें हमारा प्रदेश भी है, बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ रहा है तो महिला वर्ग पर पड़ रहा है। कुपोषण की अगर कोई शिकार है या खून की कमी की कोई शिकार है तो दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश की महिलाएं नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रारंभ होने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम हमारी प्रदेश की नारियों की रक्षा और सुरक्षा का तो इंतजाम करेंगे, उनके सम्मान का भी हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु सः पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है उस समाज और देश की तरक्की होती है। और इसके लिए हमारे नेता कमलनाथ जी प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।